कुछ कहूँ इससे पहले, आदरणीय अन्ना जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मनिंदर जी, गोविंद जी, मेरी टेक्निकल टीम, साथियों, अगस्त 2011 में सारे देश ने अन्ना जी को रामलीला पर भारत माता की जय ये हुंकार भरते सुना है, देखा है, उसको महसूस किया है। और उस हुंकार के पीछे सारा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया था। उस सारे देश के बीच में मैं भी एक वो लड़का था जो अन्ना जी से इंस्पायर हुआ था। पहला थॉट ये था कि इस उम्र में अन्ना जी सरकार से क्यों झगड़ रहे। जब रात को अन्ना जी ने कहा कि जब तक सरकार मुझे आंदोलन के लिए जगह नहीं देगी, मैं जेल से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं। और भारत माता की जय बोलते से ही सारा देश जिस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता था, एज ए आदमी, एज ए राइटर, एज ए कैरेक्टर, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या ताकत है इस खासियत में, इस शख्सियत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज़ में इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि सारा देश अन्ना अन्ना करने लगा था। और वो रीज़न था कि मेरे अंदर के राइटर को ऐसा लगा कि अगर इनकी जर्नी मैं खोज पाऊँ तो एक फिल्म बन सकती है। और जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की, सवा साल डेढ़ साल में भिंगार, रालेगन, तिहाड़ जेल, काफ़ी जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी, अन्ना जी की स्टोरी जो है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की भारत की, आज़ादी के बाद की भारत की स्टोरी है। भारत का जो रियल विकास है उसकी स्टोरी है। अन्ना जी की जो सक्सेस है, अन्ना जी की जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तानी मिट्टी की सक्सेस है। हम सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन उसके साथ में बाय प्रोडक्ट में दुख पाते हैं। अन्ना जी के हमेशा कहते हैं कि मुझे जब भी मैं सोता हूँ मुझे नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सक्सेस एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की ज़रूरत है, जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बात दे, वो शख्सियत अन्ना जी में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे देश का नौजवान फिर से एक बार एक नई सोच लेके खड़ा हो जाएगा। 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था, सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया। फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता, उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है। विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा। मेरी उम्र थी 25 साल की, तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था ये क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है। 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा, ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं। आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर, लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, जो आपने फिल्म में देखा है, उदयपुर के जन्म बताया था,
कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय गांव समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे मैं मानता हूँ। आज भी मेरी धारणा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जैसे एक फकीर आदमी, मैं 45 साल हो गया मेरे घर में कभी गया नहीं, मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपना है, बैंक बैलेंस नहीं, राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री पद्मभूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए उसका मैं ट्रस्ट बना दिया, 12-13 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है हर साल, दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता है, कुछ रखता नहीं। आज सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता, कितना आनंद है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक फकीर आदमी, मंदिर में रहता हूँ, ऐसे फकीर आदमी के जीवन पर मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कोई करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, और मेरे जैसे एक फकीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा ये सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था, और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है, मैं पहले 1 मिनट का फिल्म देखा था, अभी 2.5 मिनट का हो गया, अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा, लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है, और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगाकर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से, कहीं लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश नया देश खड़ा हो जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास होता है। तो मैं मनेंद्र जी और सब कलाकार उनके भावी कार्य के लिए, उनके उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।